जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन और आंसर साथ में। क्वेश्चन आंसर दोनों दिए हुए हैं, लिख लीजिए। आपको पूरा एकदम बुक का पूरा लिए हुए, एकदम आराम से बनाए हुए हैं कि कैसे आपको लिखना है कैसे नहीं, उसके बारे में लिखेंगे कि बीएसटी का कॉपी कैसे लिखेगा वही हम आपको बताएंगे। हर एक चैप्टर का जब हम ट्वेल्थ में थे उसी टाइम का नोट है मेरा ये, जब हम ट्वेल्थ में थे जो हम लिखे हुए थे सेम वही चीज़ है। तो आप भी ट्वेल्थ में और हम भी ट्वेल्थ में थे उस टाइम का नोट है, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो आप हम पढ़ते थे वही आप भी पढ़ते थे, और जितना मेरे पास दिमाग था उतना आपके पास भी था, तो आपको जो समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए, आपको एकदम सिंपल मैनर में हम लिखा हुए हैं, एज ए बिग ब्रदर, मतलब बड़ा भाई की तरह हम आपको समझा रहे हैं, समझे। टीचर की तरह नहीं जो कुछ भी लिखा दिया आपको मतलब से मतलब रहेगा नहीं, हम ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू किससे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही हम बता रहे हैं, एक दो क्वेश्चन लिए हुए हैं हर एक चैप्टर से। तो आप अपने अंदर पेशेंस रखिए और 100% आपको जो है ना 90+ आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर कम टाइम है तो याद करिए जो भी है, अगर ये नहीं समझ में आता तो आपका टीचर का याद है तो वही याद करिए। ये हम सबसे सिंपल करके बताएंगे, क्यों, क्योंकि हम जब ट्वेल्थ में थे उसी टाइम का ये नोट है। पहला है मैनेजमेंट। आखिर मैनेजमेंट है क्या? तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस फॉर अचीविंग गोल्स टू डू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस दोनों को अंडरलाइन कर देंगे, और ये जो मैनेजमेंट हम लिखे हैं इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। दो पेन यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, ब्लैक और ब्लू। मैनेजमेंट लिखिएगा ब्लैक पेन से, और ये जो हम लिखे हुए हैं ब्लैक पेन से उसको आप ब्लू पेन, ये जो पेन रहता है उस पेन से लिखिएगा, समझे। आपको हम जैसे ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पे हमको लिखा गया था इसलिए हमने दिखाए थे, आगे हम लिखे हुए हैं, समझे किस पेन से कौन सी चीज़ लिखना है। लेकिन इस तरह से लिखिएगा तो आपको दिखने में भी अच्छा लगता है, रेड पेन और ब्लैक पेन अच्छा लग रहा है ना आपको दिखने में, इस तरह से लिखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी काम को टाइम पे ख़त्म करना और सबसे कम पैसा में ख़त्म करना उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। हमको ये बनाना है 5 रुपया में बेचते हैं, लेकिन 4 रुपया में जो है ना, हमको मान लीजिए ऑर्डर दिया हमको 1000 आज के आज बनाना है, तो हम 4 रुपया में 1000 जो है आज के आज बना देंगे, तब हुआ मेरा मैनेजमेंट। सोने 1000 तो बना रहे लेकिन 5 दिन लग गया, वो मैनेजमेंट नहीं हुआ, समझे। दूसरा देखिए आपको, व्हाट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मोशन स्टडी क्या है। इट रेफर्स टू स्टडी अ प्रोडक्टिव मूवमेंट। प्रोडक्टिव मूवमेंट को ये अध्ययन जो करते हैं उसी को दर्शाता है। कौन? मोशन स्टडी। स्टडी मतलब कहता है अध्याय करना, पढ़ना, ऐसे समझिए। तो मोशन स्टडी में कौन चीज़ का पढ़ाई करते हैं, वैसे समझिए प्रोडक्टिव मूवमेंट का। देखिए एकदम सिंपल मैनर में, एकदम नर्सरी के बच्चा की तरह समझा रहे हैं आपको। और एक चीज़ देखिए, आपको छोटा लग रहा है ये, एक पॉइंट और मार दीजिएगा आप, देखिए 100% आपको नंबर दे देगा, देखेगा कोई ऐसे ही दे देगा आपको 2 नंबर। लीजिए, मोशन स्टडी इज डन आफ्टर टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के बाद जो है मोशन स्टडी किया जाता है। एकदम देखिए, इतना कोई भी याद कर लेगा। फिर आपको आता है टाइम स्टडी आखिर क्या है क्या। तो इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पार्टिकुलर एक्टिविटी। किसी भी कार्यक्रम को एक निश्चित समय पे खत्म करने का जो अध्ययन किया जाता है उसी को टाइम स्टडी बोला जाता है। ये देखिए, ये टाइम स्टडी इज डन बिफोर मोशन स्टडी। मोशन स्टडी से पहले टाइम स्टडी होता है। देख लीजिए अंतर कितना है, आफ्टर दे दिए इसमें बिफोर दे दिए, बस इतना ही अंतर रहता है। एकदम सिंपल मैनर में बता रहे हैं आपको। 2 पॉइंट याद रखिएगा, आपको अच्छा नंबर लाना चाहते हो पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन एकदम सिंपल मैंने बताना है कि टाइम स्टडी के बाद जो मोशन स्टडी के बाद टाइम स्टडी होता है, समझे। फिर देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। देख लीजिए, आपको पूछता भी होगा, आपको टीचर का नहीं समझ में आता होगा तो हम बता रहे हैं। इट मीन्स रिमूविंग अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन एंड मेकिंग द इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव। इसका मतलब समझिए आप क्या होता है, समझे। बहुत सारा पर नियम कानून रहता था, तो क्या बोला गया एक नियम के अनुसार कि देखिए इतना नियम कानून काहे लगेगा, उससे क्या होता है बहुत सारा बिजनेसमैन नहीं आ पाता, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करता है, समझे। तो उस सबको हटा के, जो जो अननेसेसरी था सबको हटा के जो है एकदम पूरा इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव कर दी, समझे। बहुत सारा नियम कानून था कि यहाँ आप बिजनेस नहीं कर सकते, यहाँ ये कर नहीं कर सकते, यहाँ वो नहीं कर सकते, सबको हटा के एकदम पूरा प्रोडक्शन में पूरा फ्रीडम दे दिया कि आप आइए बिजनेस करिए, आपको कुछ मतलब नहीं है, आप टैक्स भी ज़्यादा नहीं दीजिएगा। क्या बहुत सारा राज्य में क्या टैक्स फ्री कर दिया है, तो आता है बिजनेस करता है एकदम पूरा प्रॉफिट करता है, उसके बाद 10 साल बाद टैक्स लेता है। तो ये सब करना जरूरी रहता है, लिबरलाइजेशन का मतलब ये हुआ, जैसे कि आपको हो गया फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का फ्रीडम दे दिया, जितना मन आप उतना प्रोडक्ट कर सकते हैं। पहले बोलता था कि आप सरकार से पूछ के इतना आप बनाइएगा, गलत बात है भाई, कोई बिजनेस करेगा लॉस में थोड़ा जाएगा। पहले बहुत नियम कानून था, सबको हटा दिया, किसमें, लिबरलाइजेशन में। फिर प्राइवेटाइजेशन क्या होता है ये आपको समझिए कि प्राइवेटाइजेशन इट रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। पब्लिक सेक्टर का जो है ना, आप जैसे क्या आप सुनते हैं रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, बहुत सारा सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन होता है, हुआ जा रहा है, वही नियम लाया था प्राइवेटाइजेशन का, उसको आप क्या बोलेगा कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल रहता है वो आपको खत्म करते जा रहा है,
कम करते जा रहा है, उसी को प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है देखिए, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। इसका मतलब समझिए कि हमारा जो घर का, मान लीजिए कि हम बिहार में, मान लीजिए कौन चीज़ चल रहा है आपको, लिट्टी चोखा या फिर कुछ और ले लीजिए, लिट्टी चोखा का अगर हम जो है ना आपको विदेश में तक मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, ये फ्रेंचाइजी लेने लगेगा, तो हमारा ग्लोबलाइजेशन रहेगा कि हम अपना जो लिट्टी चोखा घर का बिजनेस है उसको हम विदेश में आउट ऑफ इंडिया कर दिए, वो हमारा ग्लोबलाइजेशन मतलब कर सकते हैं, ऐसा है अधिनियम कैसे ग्लोबलाइजेशन, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। कर सकते पहले नहीं होता था, अब हो रहा है, बहुत सारा बिजनेस देखते ना विदेश में, MBA चाय वाला के बाद इसका भी आया है आपको, कौन था चाय सुटा बार, वो भी विदेश में है, अब बहुत सारा कंपनी है वो सब है जो भारत का है और विदेश में भी है। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन क्या है ये आप छाप लीजिए पहले, इसमें तीन चीज आता है प्रोसेस में, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अथॉरिटी, फिर अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है आपको किसी भी पर्सन को काम देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब क्या होता है कि हम तो काम दे दिए लेकिन हमारे पास जो है ना पावर भी रहना चाहिए। मान लीजिए हम बोल दिए IAS को, IAS को मान लीजिए हम बड़ा पदाधिकारी है, तो हम नीचे वाले को बोल दिए दरोगा के देखिए आप उसको पकड़ लीजिएगा, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए क्योंकि उसको अधिकार भी है, अथॉरिटी पावर तो होगा ना पकड़ने का, दरोगा के पास है पकड़ने का तो पकड़ लेगा है, उसके अकाउंटेबिलिटी का मन क्या हुआ, इट मीन सबऑर्डिनेट विल बी आंसर। अब मान लीजिए नहीं पकड़ पाया तो उसका जवाब, हिंदी इसका होता है जवाबदेह, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, तो हमारा जवाबदेही रहेगा कौन आपको दरोगा। ये प्रोसेस होता है आपके डेलीगेशन का। फिर आपको देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आप छाप लीजिए फिर से। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देखिए आपको एकदम सिंपल तरीका से बता रहे हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ टास्क एंड अथॉरिटी बिटवीन अ मैनेजर एंड हिज, एक मैनेजर और उसके कर्मचारी उसके नीचे वाला के साथ जो हम टास्क बांटते मतलब काम जो करते हैं उसी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देना हुआ। मान लीजिए आप मैनेजर हैं, मेरे अंदर 4-5 बंदा काम कर रहा है, तो हमारे दोनों के पास बोलेंगे कि भाई आप ये काम कर लीजिए, हम उसको अथॉरिटी दी भाई ये काम कर लीजिए, उसी को बांटना, जो काम बांटने को जो है ना आपको क्या क्या बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एकदम बच्चा की तरह समझिए भाई, जो हम समझा सकते हैं और आप समझ सकते हैं एकदम पूरा टीचर की तरह नहीं, उसको मतलब रहता है सिलेबस है। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग इज अ टेक्निक टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉइज। देख लीजिए ट्रेनिंग से क्या होता है भाईजान, कि कोई भी बंदा मान लीजिए ट्रेनिंग पे है तो उसका नॉलेज बढ़ता है, उसका स्किल बढ़ता है, तब ना बोलता है ट्रेनिंग पर गया है, BSF का जमान सब भी रहता है, तो उससे क्या होता है उसके अंदर जो काम करेगा तो वो जानेगा ना किस किस तरह से। अब मान लीजिए उसे बॉर्डर पर भेज देगा, ऐसे नहीं होता है, बोली किसी को चला देगा, अपने साथी पर चला देगा, पूछा चलेगा, तो ट्रेनिंग पे इसलिए बढ़ता था कि उसके नॉलेज स्किल में जो है ना इजाफा हो बढ़े, आखिर क्या बात है हमको क्यों नौकरी दिया गया, क्या काम है उसके बाद। इसके साथ और एक क्वेश्चन है कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा पूछा है, ट्रेनिंग और इसका इंपॉर्टेंस बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस भी देखिए आप क्या क्या लिख लीजिएगा। ये आपको एक ही पेन का यूज किए हैं आप लोग नहीं करेगा, इट रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम, इट रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये क्या होता है ट्रेनिंग से क्या होता है आपको कि टाइम का खपत कम होता है। मान लीजिए कि टाइम कोई भी काम को मान लीजिए पेन बनाने के लिए हम किसी बंदा को भेज दिए बिना ट्रेनिंग के, तो उसको बनाने बहुत टाइम लग जाएगा भाई, उसको पता ही नहीं देगा, ट्रेनिंग नहीं देंगे तो पहले। और आपको जो है ना रॉ मटेरियल का भी ये जो है ना अलग करेगा वो सब समझे, आधा यहाँ से बनाना रहेगा रिफिल, यहाँ तक बना देगा आधा से आधा फेंक देगा, रॉ मटेरियल का जो है ना रिड्यूस कर देगा। ये परफॉर्मेंस में जो है ना इसे ट्रेनिंग दे देते हैं ना तो परफॉर्मेंस बढ़ जाते रहता है समझे, एकदम एक साथ जो है 5-5 कलम बना सकता है तब वो परफॉर्मेंस बढ़ जाता है भाई ट्रेनिंग देने से, इसलिए देते हैं, बेवकूफ थोड़े ना वो सब। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, ये भी आप रख लीजिए कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं समझिए बात, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं, सही बात। प्लानिंग इज विदाउट ब्लाइंड, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। देखिए दिस इज सेड बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग नथिंग विल बी लेफ्ट। देखिए मान लीजिए क्योंकि प्लानिंग हम कुछ करवे नहीं किए, मान लीजिए क्योंकि प्लानिंग हम करवे नहीं किए कुछ कि हमको गोवा जाना है, कि मान लीजिए प्लानिंग हम 50 पेंसिल का जो है ना आपको पेन है सॉरी, मान लीजिए हम प्लानिंग नहीं किए कि हमको 100 को जो है ना पेन बनाना है, तो हम उस पर कंट्रोलिंग कैसे करेंगे बताइए, प्रोसेस समझते हैं, पहले प्लानिंग होता है फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है फिर डायरेक्टिंग होता है फिर कंट्रोलिंग सब होता है, ये आपको प्रोसेस में होता रहता है ना, जब प्लानिंग ही नहीं हुआ तो कंट्रोलिंग कैसे होगा, तो कंट्रोलिंग ब्लाइंड है एकदम अंधा है, कंट्रोलिंग क्या होगा कुछ नहीं होगा, इसका मतलब यही हुआ। फिर देखिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है परिभाषा पूछ देगा, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप लिखिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट जब ही आता है ना तो प्लानिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग लगा दीजिए, सब सिंपल है, यहाँ पे बुक में भी नहीं मिलेगा इस परिभाषा,
पैकेजिंग कुछ दे रहा था। पैकेजिंग क्या है? ऑल दोज एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट के लिए डिजाइन करना, क्या पन्नी सब जो जिसको बोलते हैं हिंदी में, उस सबको डिजाइन सब करना, वही पैकेजिंग हो गया। उस सब जो कोई काम करते हैं, एक्टिविटी जो भी होता है क्रियाकलाप, उसी को पैकेजिंग बोला जाता है। इसका फंक्शन भी बहुत बुझते रहता है। ये क्या करता है आखिर, हम पैकेजिंग क्यों करते हैं? पागल तूने, बेकूफ तूने, इतना बड़ा बड़ा जो मॉल सब में रहता है, क्यों पैकेजिंग करता है? क्यों? क्योंकि डैमेज होने से प्रोडक्ट जो रखा रहता है तो डैमेज नहीं होता है, भींगने से भी बचाता है, बहुत सारा काम रहता है, इसलिए हम पैकेजिंग करते हैं, समझे? इसका फंक्शन हो गया काम। टू कैन भी हैंडल करने में, लेके जाने में भी, मान लीजिए कुछ भी रहेगा तो हम आराम से इसे पकड़ लेते हैं, लेके चले जाते हैं। पैकेजिंग पानी का रहता है या फिर आपको रैपर रहता है, तब ना होता है भाई। तो उसका इंपॉर्टेंस है, फंक्शन है। फिर आपको देख लीजिए ब्रांडिंग क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ नेम टर्म सिंबल ब्रांडिंग। तो सबको याद होगा, ये तो याद कर लीजिए, ये तो हम यहाँ से लिए हुए हैं मॉडल पेपर से। कंज्यूमर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, आपका मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा है कि आपको जो मार्केट के बारे में अच्छा ज्ञान रहना, कोई सामान जो खरीदने जाते हैं, फैन खरीदने जाते हैं, टीवी खरीदने जाते हैं, उसके बारे में हमको ज्ञान रहना चाहिए, जाके कुछ ना उठा लेंगे हम। हाँ, हमको टाइम ऑफ बाइंग खरीदने के टाइम हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, रिसिप्ट लेना नहीं भूल जाएंगे, यही सब हमारा रहता है ना भाई। हम चाहते हैं तो एकदम सटीक हमको पैसा लगे, ज़्यादा ना लग जाए, यही सब हम सोचते रहते हैं ना, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। राइट के बारे में हमारा अवेयरनेस, कॉशन ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब कि सावधानी बरतने की जरूरत होता है, इतना आप याद कर लीजिए। बहुत टाइम हो गया, 11:35 का वीडियो बन गया। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डीजिए आपको नेक्स्ट बताएंगे, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए, आपको जो नहीं समझ में आए वो कमेंट करिए।